नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। ओडिशा क्राइम ब्रांच की ईओडब्ल्यू जल्द ही बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से पूछताछ करने वाली है। वजह है कि 1,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पोंजी स्कैम में गोविंदा का नाम सामने आया है। एक्टर इस घोटाले से जुड़ी सोलर टेक्नो अलायंस कंपनी से जुड़े हुए थे। वे इस कंपनी के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। इस मामले पर ईओडब्ल्यू की ओर से 13 सितंबर को जानकारी दी गई। एसटीए पर आरोप है कि कंपनी ने कई देशों में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की आड़ में घोटाला किया है। ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर जनरल जेएन पंकज ने बताया, हम जल्द ही गोविंदा से पूछताछ करने के लिए एक टीम मुंबई भेजेंगे। इस पूछताछ में हम उनसे कंपनी से जुड़े कई सवाल करेंगे, साथ ही पूछेंगे कि उनसे एसटीए के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसने संपर्क किया था। जनरल पंकज ने आगे बताया कि अगर जांच में पता चलता है कि गोविंदा ने बिजनेस एग्रीमेंट के तौर पर सिर्फ एसटीए टोकन ब्रांड को एंडोर्स किया है तो उन्हें इस मामले में गवाह बना दिया जाएगा। इसके साथ ही अथॉरिटी ने यह भी क्लियर किया है कि फिलहाल गोविंदा इस मामले में ना तो संदिग्ध है और न ही आरोपी। उनका इस मामले में क्या रोल है ये उनसे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।